पाठ हिंदी वन का पाठ आठ भीष्म प्रतिज्ञा पढ़ रहे हैं। इस पाठ में भीष्म पितामह के बारे में बताया गया है। महाभारत आप लोगों ने देखी होगी अभी कि भीष्म पितामह कौन थे। महाभारत में एक महत्वपूर्ण स्थान है भीष्म पितामह का, और उसके बारे में बताया गया है कि भीष्म पितामह को मतलब देवव्रत को भीष्म पितामह क्यों कहा जाता है या उसकी प्रतिज्ञा को भीष्म प्रतिज्ञा क्यों कहा जाता है। तो हम पाठ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। महाभारत के किसी भी क्षेत्र में भीष्म का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है, मतलब पूरी महाभारत में भीष्म पितामह का स्थान महत्वपूर्ण है। गंगा देवव्रत पितृभक्ति त्याग और आजीवन ब्रह्मचर्य का संकल्प लेने के कारण भीष्म कहलाए। तो मतलब देवव्रत को भीष्म क्यों कहा जाता है, क्योंकि वे तो गंगा पुत्र थे, उनका नाम देवव्रत था, परंतु अपनी पितृभक्ति पिता के लिए अपनी भक्ति और त्याग और आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के कारण उन्हें भीष्म कहा गया है। महाराज शांतनु बड़े प्रतापी राजा थे और वे धनुर्विद्या में पारंगत थे, मतलब निपुण थे, पूरी तरह से निपुण थे। उनका निशाना अचूक था, मतलब उनका निशाना कभी चूकता नहीं था। एक दिन वे शिकार की खोज में गंगा के तट पर पहुँचे। गंगा तट पर उन्हें एक अपूर्व सुंदरी के दर्शन हुए, मतलब वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी, जिसके रूप का आलोक दूर दूर तक फैल रहा था। महाराज शांतनु ने उत्पत्ति स्त्री को देखकर उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। इस सुंदर युवती ने कहा, मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, परंतु मेरी एक शर्त है कि मैं जो कुछ करूँ आप मुझे कभी रोकेंगे नहीं, मैं चाहे जो चाहूँगी वही करूँगी। राजा शांतनु ने युवती की शर्त को बिना सोचे समझे स्वीकार कर लिया, मतलब उन्होंने कुछ सोचा नहीं, उनको तो उस टाइम शादी करनी थी, उन्होंने कुछ सोचा नहीं और उसकी शर्त को स्वीकार कर लिया। वास्तव में दिव्य आलोक बिखेरती हुई नवयुवती गंगा थी, मतलब गंगा थी। वह राजा शांतनु ने उस नवयुवती को अपने महल में ले आए और कुछ समय बाद उनके एक पुत्र का जन्म हुआ। उस गंगा में उस पुत्र को गंगा में बहाई। शांतनु ने देखकर बहुत आश्चर्य हुआ, किंतु वे वचन के अनुसार बंधे हुए थे, इसलिए वे कुछ नहीं बोल पाए। एक एक करके गंगा ने अपने 7 पुत्रों को गंगा में बहा दिया। जब वे 8वें पुत्र को भी गंगा में बहाने जा रही थी तो राजा शांतनु ने से देखा नहीं गया, उनसे सहन नहीं हुआ और उन्होंने कहा कि तुम कैसी निष्ठुर माँ हो, तुम अपने ही पुत्र को गंगा में बहा देती हो, इनको पालने पोसने की बजाय तुम इनको गंगा में बहा देती हो, मैं ऐसा नहीं करने दूंगा। गंगा ने कहा कि आपने मुझे वचन दिया था कि आप मुझे किसी कार्य के लिए नहीं रोकेंगे, आपने अपने वचन का उल्लंघन किया है, इसलिए मैं आपके साथ नहीं रह सकती। मैं इस बालक को अपने साथ लेकर जा रही हूँ और इसे पालन पोषण करने के पश्चात इसे आपको वापस लौटा दूँगी। यह कहकर गंगा अपने पुत्र को लेकर अदृश्य हो गई। महाराज शांतनु इस घटना से बहुत दुखी हुए। एक दिन वे फिर गंगा के तट पर शिकार खेलने गए तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर बालक अपने बाणों से गंगा की धारा को रोके हुए था। उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि यह अल्पायु बालक, मतलब इतनी कम आयु का बालक इतना शक्तिशाली कैसे है, वह अपने बाणों से गंगा की धारा को रोक सकता है। वह उसकी शक्ति प्रतिभा और ओजस्वी स्वरूप के बारे में सोच ही रहे थे कि उसी समय वहाँ पर गंगा प्रकट हुई और गंगा ने कहा कि महाराज शांतनु ये आपका ही पुत्र है, मैंने इसे पाल कर बड़ा किया है, अब यह शस्त्र शास्त्र में पारंगत हो गया, आप इसे ले जाइए। महाराज शांतनु जानकर प्रसन्न हुए कि यह बालक उन्हीं का पुत्र है। वे अत्यंत हर्ष और उल्लास के साथ अपने उस बालक को महल में ले आए, उसे युवराज घोषित किया और उसके पालन पोषण शिक्षा दीक्षा की उचित व्यवस्था की। उस बालक का नाम देवव्रत रखा गया। कुछ समय बाद एक दिन शांतनु यमुना नदी के किनारे तट पर शिकार के लिए गए। वहाँ उन्हें अचानक सुगंध बिखेरती हुई कन्या दिखाई दी जिसका नाम सत्यवती था। सत्यवती एक मछुआरे की कन्या थी जो नौका में बिठाकर लोगों को नदी पार कराती थी। महाराज शांतनु ने कन्या के पिता से उसे विवाह की इच्छा जाहिर की, मतलब उस लड़की से सत्यवती से विवाह की इच्छा प्रकट की। मछुआरे ने विनम्रतापूर्वक कहा कि इससे ज़्यादा सौभाग्य की बात और कोई नहीं हो सकती कि मेरी बालिका हस्तिनापुर की महारानी बने, परंतु मेरी एक शर्त है कि मेरी बेटी का पुत्र ही राजा बने। मछुआरे की शर्त सुनकर राजा शांतनु को बहुत दुख हुआ, क्योंकि वह ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने देवव्रत को पहले युवराज घोषित कर दिया था। वे महल में वापस आ गए और बहुत चुप चुप से रहने लगे, बहुत उदास रहने लगे। उन्होंने अपने मन की बात को किसी को बताया नहीं था, पर
देवव्रत को अपने सूत्रों से पता चल गया कि वे क्यों दुखी हैं। देवव्रत एक दिन चुपचाप सत्यवती के पिता के पास गए और उनसे विवाह की, अपने पिता के विवाह की बात की। मछुआरे ने फिर वही बात दोहराई कि मेरी बेटी के पुत्र ही राजा बने। देवव्रत ने बलपूर्वक वचन देते हुए कहा कि मैं आपको वचन देता हूँ कि आपकी बेटी के पुत्र ही राजा बनेंगे। मछुआरे ने कहा कि यहाँ तक तो ठीक है, परंतु अगर आपके पुत्र ने इनसे राज छीन लिया तो? तब देवव्रत ने अपने हाथ ऊपर करके, तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए मैं आजीवन अविवाहित रहने का, मतलब शादी नहीं करने का, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूँगा, और ऐसा दृढ़ संकल्प लिया। इस दृढ़ संकल्प से प्रभावित होकर मछुआरे ने राजा शांतनु से सत्यवती का विवाह कर दिया और आजीवन अविवाहित और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने का दृढ़ संकल्प लेने के लिए देवव्रत को भीष्म कहा जाने लगा। अब आपको इस पाठ के शब्द लिखने हैं और इसका बुकवर्क करना है और प्रश्न उत्तर करना है।